हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ जो आप देख रहे हो 2023 मॉडल है, E20 वर्जन, जैसा कि सब लोग BS7 बोल रहे हैं, BS6 फेस 2.0। यहाँ देख सकते हैं E20 का स्टिकर लगा है, वहाँ पे भी E20 का स्टिकर लगा है। 2 महीने पुरानी है ये भी, 2.5 महीने पुरानी है। ये है BS7 NS200 और ये है RC200। भाई देख लो, बहुत ही बढ़िया लग रही, मोटो जीपी एडिशन है तो भाई गज़ब, दिखने में तो बहुत गज़ब लग रही है। एंड बस फ्रंट का जो इसका शेप है ना, वो मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता है, बाकी बहुत लोग को भी अच्छा नहीं लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। एंड RC 3.0 आने वाली है, थर्ड जनरेशन आने वाली है और वो बहुत ही बढ़िया लुक के साथ आने वाली है, तो स्टे ट्यून, उसके भी हम लोग अपडेट आपको दे देंगे। चलिए, इन दोनों का हम लोग एक ड्रैग रेस करने जा रहे हैं। हालाँकि एक नेकेड है, एक फेयर्ड है, दोनों 200 सीसी की है। क्या रिजल्ट निकल के आता है, टॉप एंड में कौन आगे निकलती है, इनिशियल में कौन आगे निकलती है और जिसका मिड रेंज किसका अच्छा है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले केसी व्लॉग को भाई आप लोग सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो वीडियो को, ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ रीच मिले, क्योंकि अगर रीच नहीं मिलती ना भाई तो दिल से बुरा लगता है, क्योंकि इतनी धूप में हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो भाई कुछ तो बनता है ना, आपका भी सपोर्ट। तो देखते हो तो लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के रेस को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं रिजल्ट्स, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। मैं चलाने जा रहा हूँ RC 200। भाई बढ़िया है भाई, गाड़ी बढ़िया एकदम, एक नंबर। करनी है या नहीं करनी? स्लिप स्विमिंग लास्ट में ट्राई करेंगे, कर लेना क्योंकि नेकेड है ना वो, थोड़ा करना। बाकी वेट हम लोग का ऑलमोस्ट सेम है, गाड़ी का वेट का अंतर होगा भाई, अंतर होगा। साहब बगल में चल रही है, हेड टू हेड चल रही है, इससे पता चलता है भाई NS पावर है। अब वो निकली, गजब पावर है NS में, अब उसको फायदा हुआ। ओ भैंस की आप, लेकिन बहुत ही ज्यादा, अबे लिमिटर, अब उसको फायदा हुआ था पेयरिंग का। अरे भाई 38, अरे भाई 136 मिलीमीटर, E20 BS7 वर्जन। अरे क्या ही मोटो जीपी जाएगा भाई तू, लेकिन स्टील में आगे हूँ, अभी स्टील आगे हूँ, मुझे नहीं पता भाई कितने पीछे है। अरे पीछे है भाई, स्टील में विजेता। स्टील में विजेता हूँ भाई 136 में, दैट मीन्स KTM ने स्टिल अभी तक वो करके रखा हुआ है इसका GPS, बढ़िया। मोटी से लंबी करनी थी, लंबी होती ना निकल जाती। अच्छा, वो पीछे वो ट्रक वाले ने इतनी खतरनाक ऐसे काटा, मैं उठ गया तुरंत। तुमने धीरे कर दी थी। हाँ। चलो कोई नहीं, इस बार हम लॉन्ग कर लेंगे भाई, हमको पता नहीं था पीछे आंखें होती तो फिर पता चल जाता। फिलहाल नहीं यार, देखना मैं उठ गया था भाई। 136 में इसका लिमिटर आ रहा है, 147 इस पे, वो 136 पे लिमिटर है। इसका गड़बड़ है कि उसका कुछ ज्यादा ही गड़बड़, देखो इसका स्पीड एरर है, उसमें स्पीड एरर नहीं है, ये तो होता है। हाँ हाँ, लेकिन पावर इसमें भी अच्छी है, पावर भाई 120 तक साथ में। हाँ साथ में थे, पावर बढ़िया दी हुई है। हाँ चलो, ओहो थोड़ा सा लॉन्च बेकार हुआ, गजब भाई क्या पिकअप लिया इसने, थोड़ा सा नहीं बहुत बेकार लॉन्च था यार। अरे भाई साहब बहुत पीछे है,
निकल ली है। ओहो निकल नहीं थी यार, ये 133 जा रही है पांचवे गियर में, और वो अबे आ गया भाई, अरे आ गया, निकल गया, गया। और मैं 137 पे हूँ। ओ देख पूरा भाई साहब, थोड़ी सी करनी पड़ेगी स्लिप स्विमिंग यहाँ पे, हालांकि करनी नहीं चाहिए बट करनी पड़ेगी। वो निकल जाएगी मुझे ऐसा लग रहा टॉप एंड में, क्योंकि 136 के आगे बढ़ी नहीं रही। बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, ये देखो कैसे निकलता जा रहा है भाई, और ये देखो पीछे होती जा रही है। यहाँ दिक्कत है यहाँ आपकी नियम, लेकिन अब तक नहीं निकली है निस, ये कैसे यार 147 जा रही है निस। अब उस पर जब लिमिटर आएगा तब मैं आगे जाऊंगा लग रहा है। नहीं भाई नहीं, मीटर खोल के देखता हूँ, सॉरी साइड मिरर ओपन करता हूँ, देखता हूँ कहाँ है वो। अरे यार साइड मिरर ओपन करने में गड़बड़ हो गया, निकलना मुश्किल ही है, मुश्किल है निकलना, निकलना निकल गया क्या। 148 मैंने बोला था टॉप पे एकदम निकलेगी, 49 लंबी रेस होगी तो। ये देखो भाई साहब 50 जा 50 नहीं जा रही है, 149 पे अटक गई, पीछे हो गया यहाँ पर भाई, बहुत लिमिटर, बहुत पीछे हो गए, मजा आ गया भाई, अपन जीत गया। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है भाई इस गाड़ी का, मानना पड़ेगा बजाज वालों ने ब्रेकिंग बहुत अच्छी दी हुई है, मुझे इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत सही लगा है चलाने में। 200 सीसी के बाइक 136 पे लिमिटर मार रही है, लेकिन भाई तुम, मैं 137 पे था, तुम बहुत तेजी से निकले, बहुत जोर से मेरा गड़बड़ हुआ, उसके बाद 130 के बाद से सटा बहुत तेजी से निकली, लेकिन भाई वही लिमिटर भाई, हमारी एन जाती है 128 MotoGP एडिशन भाई, ये बन नाम की MotoGP है। मुझे लग रहा है ये आ भी रही होगी 240 के आसपास आराम से भाई, और ये आ रही है 185 के आसपास, 190 मान लो भाई। यार क्या यार भाई, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई इन लोगों को यार कम से कम स्पीड तो 145 देनी चाहिए, 45 मैं कह रहा हूं, 42 तो जाए। और एक और चीज भाई, अगर मैं इसको कंपेयर कर लूंगा करिश्मा XMR से तब मस्त है भाई, करिश्मा का प्राइस और इसका प्राइस प्लस और वो जाती 149 भाई, क्या बनाई बाइक को, ये डिस्कशन चल रहा तो भाई अभी आप लोग ने देख लिया होगा क्या रिजल्ट निकल गया है, नीतीश भाई के साथ डिस्कशन भी हमने किया बहुत बढ़िया, पावर फिगर वगैरह सब आपको पता हुआ, प्राइसिंग भी पता ही है भाई, ये महंगी है आपकी 30-40 हज़ार रुपये महंगी होगी एज कम्पेयर टू NS से। NS बहुत ही बढ़िया गाड़ी बनाई बजाज वालों ने, बजाज वालों के लिए एक थम्स अप कहूंगा, क्योंकि इस बाइक की प्राइसिंग को देखते हुए इस बाइक का बहुत ही अच्छा यहाँ पे पावर निकल के आता है, और कंफर्टेबल है, ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है बजाज वालों ने, तो ये बहुत ही अच्छा हैंडल, एक्चुअली इन लोगों ने जब अपसाइड डाउन फोक्स यहाँ पे डाले हैं, हालांकि बहुत लोग को नहीं इतना पता चलेगा, लेकिन हैंडल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए एज कम्पेयर टू ओल्ड वर्जन जो इसकी NS आती थी। तो आप लोगों का क्या कहना है, कौन सी बाइक आप लेना चाहते हो, अगर आपके पसंद में ये है तो भाई मैंने आपको बता दिया है, रिजल्ट दिखा दिया है, लेकिन लुक वाइज तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ी अट्रैक्टिव है रोड में, लेकिन पावर के मामले में भाई इतनी ज़्यादा मुझे नहीं निकल के आई, इसका इनिशियल भी अच्छा है, मिड रेंज भी अच्छा है, तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग के ऊपर है, मेरे हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी लेना चाहते हो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के ही राइड करिए और मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।